चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ क्या एरर्स। समझना है बार रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एग्जैक्टली है क्या। देखिए एरर्स का मतलब क्या होता है, गलती। गलती क्या होता है बताओ, गलती। गलती को बोलते हैं एरर्स। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक करना। यदि हम लोग गलती को ठीक करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, गलती को ही ठीक करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब गलती को ठीक कैसे करते हैं यह समझना है। जैसे देखो एक बार, जनरल एंट्री में कुछ ऐसा था जो अपने को रिकॉर्ड कुछ और करना था, गलती से कुछ और रिकॉर्ड कर दिए। जैसे कि बोर्ड पे क्या, बोर्ड पे मान लो गुड्स सोल्ड टू अमित ऑफ ₹10,000। ये एक्सपेक्ट करें कि इसका आंसर आपको पता हो, बताओ क्या होना चाहिए, एंट्री क्या होना चाहिए था, अमित अकाउंट डेबिट टू स्टेट। बट हम क्या किए ना, कितने का सामान बेचे थे, 10,000 का सामान बेचे थे, गलती से उसको 11,000 लिख दिया। कितने रिकॉर्ड कर दिए बताओ, 11,000। अब इस गलती को ठीक करना पड़ेगा अपने को। इस गलती को ठीक कैसे करें, नॉर्मल केसेस में तो इसको ऐसे ऐसे कर सकते, और यहां पे ऐसे 10,000 लिख दे, देख दे क्या जरूरत है उतना इस चैप्टर को बनाने का। गलती को ठीक करना, इसको काट के ठीक कर दो। बट दिक्कत यह है कि तुमको पता है कि अकाउंट्स फाइनल अकाउंट बनने के बाद ये फाइनल अकाउंट जाता है ऑडिटर के पास, जो उसको चेक करता है अकाउंट्स को, और अकाउंट्स को चेक करके वो एक रिपोर्ट बनाता है, ऑडिट रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। अब सोचो एक बार, ये अकाउंटेंट है इस कंपनी का, ऑडिटर तो बाहर कर रहा था, तो कंपनी का तो इंप्लॉय रहता नहीं, हम बाहर से आए हैं अकाउंट्स को चेक करने के लिए। ये अकाउंटेंट है, ये अकाउंट बना के रखी होगी, हम जब आए आके देखे अकाउंट्स, एक साल में एक बार आएंगे ना, ईयर के एंड में आएंगे, तो देखने को मिला कि जनरल एंट्री में अपने को इस तरीके से रिकॉर्ड करके रखी है, तो हम उसको शक की निगाहों से देखेंगे कि नहीं, देखो कि जरूर यहाँ पे कुछ ऐसा चीज है जिसको छुपाया जा रहा है, हो सकता है ये चोरी वाला चीज हो, चाहे कुछ भी हो, क्या हो सकता है ये कल की होगी सब चीज ठीक करने के लिए, आज हम आने वाले हैं, हम बोल दिए थे इसलिए कल रात को ऐसा सब की होगी। तो ये जो शक पैदा होगा ना ऑडिटर में, इसलिए हम लोगों को अकाउंट्स में बोला गया कि अकाउंट्स में कट मार्क करना अलाउड ही नहीं। ठीक है, अकाउंट्स में कट मार्क करना अलाउड नहीं होता। तो अब इसको ठीक करना है, इसकी 11,000 को 10,000 भी करना है, बट ऐसा करना है कि कहीं कट मार्क ना हो, तो इसको कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, ये इसीलिए चैप्टर बनाएंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर को ठीक करने के लिए, अब देखो ये जनरल एंट्री को ठीक करना जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। देखो एक बार, यदि हम बात करें अमित, तुम्हें तब इंडिविजुअली पकड़ना, अमित यहां पे कितना होना चाहिए था, यहां पे कितना होना चाहिए था। ठीक है, हम तुम कैसे बोल सकते हैं कि अमित को डेबिट 10,000 से करना चाहिए था, गलती से 11 कर दी। अमित को डेबिट 10,000 से करना चाहिए था, गलती से क्या कर दिए। तो इसको ठीक करने का तरीका बोलता है रेक्टिफिकेशन, एक काम करो उसका रिवर्स उल्टा एंट्री पास करो। अमित को डेबिट से ₹1,000 हटाना है, तो अमित को क्रेडिट में कर दो ₹1,000। क्या हो जाएगा, ये ₹1,000 कट होगा और 10,000 बच जाएगा डेबिट साइड, जो अपना ठीक हो गया अकाउंट। ठीक है, वैसे ही सेल्स क्रेडिट में 10 के जगह पे कितना रिकॉर्ड कर दिए, 11 रिकॉर्ड कर दिए। सेल्स कितना रिकॉर्ड कर दिए बताओ, 11,000 पर रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, सेल्स क्रेडिट साइड में 11 रिकॉर्ड कर दिए, करना चाहिए था 10,000, उसको ठीक करने के लिए डेबिट कर दिया ₹1,000। तो क्या लिख सकते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट। समझे क्या है, इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, रेक्टिफाई एंट्री, ठीक करने का एंट्री। ठीक है, हाँ ये अलग अलग टाइप के सम्स में अलग अलग तरीके से यूज होगा। ठीक है, अभी तुमको हम अमाउंट का गलती तुमको पता है, ऐसे गलती कई टाइप का हो सकता है, बहुत सारा गलती हो सकता है, मतलब गलती का कोई सीमा है क्या, गलती का कोई सीमा है नहीं। अमाउंट के जगह पे कुछ भी रिकॉर्ड कर दिए, एकदम मान लो एकदम फालतू अकाउंटेंट है, वो सेल्स रिकॉर्ड करना चाहिए तो सेल्स को क्रेडिट रिकॉर्ड करने से डेबिट को कट कर दिए, ये भी तो कर सकता है। ठीक है, गलती से वो काम कर रहा है, काम के प्रेशर में
परचेस का बिल देख के गलती से सेल को रिकॉर्ड कर दिया, ये भी तो कर सकता है, समझे क्या बात। तो गलती का कोई सीमा नहीं है, गलती कई तरीके से हो सकता है, बट फिर भी अकाउंट्स में उस पूरे गलती को हम लोग चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितना कैटेगरी बताओ, चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो एरर्स होता है, एरर्स इसको हम लोग चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले एरर्स को बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, और दूसरे एरर्स को बोलते हैं ओमिशन, तीसरे को बोलते हैं क्या, कमीशन, लास्ट को बोलते हैं क्या, कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, अकाउंट्स में जितना भी गलती होता है उसको चार अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, पहले को बोला गया एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, दूसरे को बोला गया क्या, ऑमिशन, तीसरे को बोला गया क्या, कमीशन, चौथे को बोला गया क्या, कंपनसेटिंग एरर्स। अब सभी गलती के बारे में समझते हैं। ऑमिशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, भूलना। ऑमिशन मतलब भूल भूल जाना, वो अकाउंट्स रिकॉर्ड करना ही भूल गया, एंट्री करना चाहिए था, एंट्री पास करना भूल गया, ये पूरा का पूरा गलती समझ आ रहा है। इसको बोलते हैं नो एंट्री, एंट्री पास नहीं किया। इस टाइप की गलती को क्या बोलते हैं हम लोग, नो एंट्री को क्या बोलते हैं हम लोग, एरर ऑफ ऑमिशन। क्या बोलते हैं, मतलब एरर ऑफ ऑमिशन, जिसमें एंट्री ही पास करना भूल जाता है। ठीक है, एंट्री पास नहीं होता। ठीक है, अच्छा जैसा बीमारी वैसा दवा, इसमें इसको ठीक करना है तो सिंपल नॉर्मल एंट्री पास कर दो, एंट्री पास करना भूल गया, ठीक है पास कर दे, ठीक हो जाएगा, समझे बात। यहाँ पे गलती का कोई बात नहीं है, गलती का कुछ गलत तो नहीं किया ना, इसको ठीक करना है, किया ही नहीं है तो दोबारा एंट्री पास कर दो, गुड सेल किए इसको रिकॉर्ड करना भूल गए तो सेल का एंट्री पास कर दो, समझ आए बात, कैसे कंट्रीब्यूट टू सेल्स। ठीक है, कमीशन का गलती का मतलब होता है कि यदि आप अकाउंट्स में अमाउंट में या फिर साइड में कोई गलती कर दी है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कमीशन का गलती, साइड बताते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट की जगह पे किसी चीज को क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, सेल्स का अकाउंट की जगह पे परचेस का अकाउंट रिकॉर्ड कर दी, इसको बोलते हैं अकाउंट का गलती, समझ रहे बात। साइड का गलती समझ रहा है, डेबिट क्रेडिट की जगह पे, अमाउंट का गलती समझ रहा होगा, 10,000 की जगह पे 11,000 रिकॉर्ड कर दिया, समझ आया क्या, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। ये तीन टाइप की गलती को क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। अब आते हैं कंपनसेटिंग एरर्स, ऐसा भी तो गलती हो सकता है ना, हम गुड्स परचेस किए, एंट्री क्या पास करना चाहिए था, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बट गलती से अभी गए, अभी मान लो 2 बजने वाला है, 2 PM, 2 PM होने वाला है, मेरा अभी लंच का टाइम है, अभी घंटी बजा, अभी एंट्री पास करते हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, उसके बाद पास करके चले गए, अकाउंटेंट यदि हम है वैसा किए, एंट्री पास करके चले गए, फिर 2:30 बजे आए, खाना वाना खा के फिर बैठे, फिर उस बिल को दोबारा से रिकॉर्ड कर दिए, कर सकते हैं गलती है, गलती से एक ही चीज को 2 बार रिकॉर्ड हो सकता है, इसको बोलते हैं डबल एंट्री, डबल एंट्री पास कर दिए, इस डबल एंट्री के पास को गलती को क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, डबल एंट्री, समझ रहे बात। अच्छा, एक ऐसा गलती जिसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, रूल्स, क्या होता था, रूल्स, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है, सिद्धांत हम इस प्रिंसिपल से जीते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि आप अकाउंट्स के रूल्स का उल्लंघन किए, वो गलती को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे एग्जांपल देखो, हम लोग बचपन से पढ़े और इसके पहले एक चैप्टर पढ़े थे डेप्रिसिएशन, उसमें हम लोग पढ़े थे कि एसेट से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा एसेट्स में जोड़ देना, मतलब यदि एसी खरीद के लेके आए 40,000 में और उसको लाने में 1,000 रुपये लग गया तो हम बोलेंगे 41,000 का एसेट्स, याद है ना, डेप्रिसिएशन में हम लोग इंस्टॉलेशन चार्ज को जोड़ते थे, याद है, इसका मतलब मशीन के खर्चे को जोड़ते थे। तो अब हम क्या किए, मशीन का खर्चा कुछ लगा, मान लो इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसको हमको जोड़ना चाहिए था मशीन में, बट गलती से उसको नॉर्मल इंस्टॉलेशन कहीं रिपेयर की तरह रिकॉर्ड कर दिए, गलती की है। ये किस टाइप का गलती है, रूल्स का गलती है, अकाउंट्स बोलता है इसको एसेट्स में जोड़ो, हम एसेट में नहीं जोड़ के पीएल के डेबिट में चार्ज किए, तो इस टाइप की गलती को क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंटिंग रूल्स का उल्लंघन किए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये चार टाइप का गलती होता है, इस चारों टाइप की गलती को हम लोग ठीक करेंगे, अपना चैप्टर खत्म होगा। तो मैं क्या पहले बार कॉपी में ऐसे उतार
आगे बढ़े, आगे बढ़ने से मत रोको किसी को। देख, स्टेजेस ऑफ एरर्स, गलती का तरीक जो टाइम होगा वो तीन तरीके का, तीन जगह पर हम गलती कर सकते हैं। जो अकाउंटेंट है वो तीन जगह पे गलती कर सकता है। स्टेज, पहला स्टेज यहाँ पे गलती कर सकता है वो होगा बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, दूसरा आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, और तीसरा यस 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 आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट। चाहिए आप बता दिल से ठीक है, यहां तक हुआ क्या? टाइप्स ऑफ एरर्स, दो तरीके का और भी गलती हम लोग बोल सकते हैं। पहले को बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर्स, और एक को बोलते हैं क्या, डबल साइडेड एरर्स। लिख लेना एक बार, सिंगल साइडेड एरर्स, और दूसरे को क्या बोलते हैं, डबल साइडेड एरर्स। सिंगल साइडेड एरर्स हो गया यहां तक। अब देखो, अब सिंगल साइडेड एरर्स का मतलब क्या होता है, पहले ऊपर वाला समझा देते हैं। बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही गलती कर दी। ट्रायल बैलेंस बनाए, बनाने के बाद हमको गलती का एहसास हुआ, और फाइनल अकाउंट बनाने के बाद गलती का एहसास हुआ। ये तीन स्टेज है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर्स यहाँ पे होता है दो टाइप के का। हम लोग एक साइड में सही लिखे, एक साइड में गलत लिखे। मतलब सैलरी पे की है, एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश मान लो 1000 1000 है, हम सैलरी में 1000 लिखे बट कैश में लिख दिए 1200, तो गलती एक जगह पे हुआ, उसको बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर्स। मतलब हम किसी को सैलरी पेमेंट किए तो एंट्री क्या होना चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपये, 1000 रुपये। हम गलती से क्या कर दिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखे तो जरूर, बट यहाँ पे लिखे 1000 और यहाँ पे लिखे 1200, तो गलती सिर्फ एक जगह पे है ना, इसको बोलते हैं वन साइडेड एरर्स। मान लो गलती हम यहाँ पे भी 1200 लिख देते, तो मतलब इसको बोलते डबल साइडेड एरर्स। समझ में आया क्या? ठीक है चलो। बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट, इसके बारे में समझाते हैं। जब बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस होगा तो याद रखना, इसको ठीक करने का जो तरीका होगा वहां पे हम लोग सिर्फ नो एंट्री पास कर देंगे। अब नो एंट्री क्या होता है बताते हैं। यहाँ पे एक जो वर्ड यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सस्पेंस अकाउंट, और यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे उसको बोलते हैं पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। एक बार कॉपी में लिखो, समझाते हैं क्या लिखा हुआ है। नो एंट्री, लिखो एक बार नो एंट्री, उसके बाद सस्पेंस अकाउंट, और उसके बाद पीएल एडजस्टेड अकाउंट। आ जाओ, अब एक समझ दिखाते हैं। क्वेश्चन यहां से है, हम पहले इजी इजी क्वेश्चन पकड़ते हैं, इजी इजी क्वेश्चन तुम्हारा नीचे में है, ठीक है। इजी क्वेश्चन कैसे है बताते हैं, इसमें पूरा ईयर डाला हुआ है। तो पहले ना सीयू में हार्ड क्वेश्चन आता था, क्या पहले 200 मार्क्स का अकाउंट हुआ करता था, हम 2005 का बात कर रहे हैं। उस समय 200 मार्क्स का अकाउंट्स का एग्जाम होता था, तो उस समय पेपर थोड़ा हार्ड आता था, टफ। तो देखो क्वेश्चन, देखो इतना इतना बड़ा बड़ा। अभी सिलेबस थोड़ा छोटा कर दिया तो अपना क्वेश्चन भी छोटा आता है। तो देखिए 2022 का क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, 4 पॉइंट दिया, ठीक है।
आ जाओ करते हैं। 5 मार्क्स का पिछले बार तक था, इस बार का हमको नहीं पता। इस बार का इंस्टीट्यूट अभी तक इंस्टीट्यूट बोले था, यूनिवर्सिटी अभी तक कुछ बोला नहीं, बोलेगा तो बोला क्या हुआ? नहीं, सीयू बोलता ही नहीं है। पहली बात तो बोलेगा नहीं, वो नोटिफिकेशन देगा। अब देखो एक बार यहाँ पे, द फॉलोइंग एरर्स आर डिटेक्टेड। ये सब गलती हम लोगों को, ये सब गलती कर दी है, इसका एहसास हुआ कब? ट्रायल बैलेंस बट बिफोर मेकिंग फाइनल, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। सेकंड वाला पॉइंट जो 3 पॉइंट लिखा है ना, ये वाला पॉइंट, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट के पहले। यहाँ पे सस्पेंस वर्ड यूज होगा तब जब हम लोगों का सिंगल साइडेड एरर्स होगा। तो देखो पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ, समझना है। टोटल रिटर्न इनवर्ड बुक्स हैज बीन कास्ट 1000 रुपीज शॉर्ट। इसका पहले मतलब बताओ। पढ़ा दिए, बोले 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 बोलिए। पहले रिटर्न इनवर्ड क्या होता है बताओ? रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न ना, रिटर्न आ रहा है सेल्स रिटर्न। जो क्या बोलते बताओ? ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न 1000 रुपया कम लिखे हैं, ठीक है। अब सोचना है भाई, इस टाइप के सम देखो, ये थोड़ा सा दिक्कत होगा भाई, एक एक सम्स के एक एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। सेल्स रिटर्न पहले बताओ, डेबिट आइटम है क्रेडिट आइटम है? सेल्स रिटर्न कौन सा आइटम है? डेबिट आइटम है। सेल्स होता है क्रेडिट, उसका रिटर्न होता है डेबिट। परचेज होता है डेबिट, उसका रिटर्न होता है क्रेडिट, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न कौन सा आइटम है? डेबिट आइटम है, ठीक है। डेबिट साइड में 1000 रुपए कम लिखे, शॉर्ट में तो कम होता है, डेबिट साइड में 1000 रुपए कम लिखे, ठीक। कैसे करेंगे? डेबिट साइड में और 1000 रुपए डाल के, 2 पढ़ रहा है, ये डेबिट है क्रेडिट है। डेबिट साइड में 1000 रुपए कम लिखे, ठीक। कैसे करेंगे? 1000 रुपए और डाल के, अरे भाई दो दो बकेट है सर, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। हम बोल रहे हैं इसमें 1000 रुपए कम है, तो क्या करोगे? 1000 रुपए डालोगे ना, बस वही बोलना चाह रहे, ठीक है। इसको ठीक कैसे करेंगे? तो डेबिट साइड में तुमको 1000 रुपए डालना पड़ेगा। किसके डेबिट साइड में? रिटर्न इनवर्ट के डेबिट साइड एंट्री होगा, रिटर्न इनवर्ट अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट में क्या लिखेंगे? क्रेडिट में तो कुछ आइटम ही नहीं दिख रहा, तब यहाँ पे वर्ड यूज होगा क्या? यदि यही रहता बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, तो एंट्री पास नहीं करते, बस खाली लिख देते ऐसे, समझे क्या? यहाँ पे क्या होता है? एंट्री 2 सस्पेंस 1000 रुपया, समझे क्या बात? बोल रहे हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बट फाइनल अकाउंट बनाने के पहले, मतलब सेकंड पॉइंट देखो, आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फाइनल अकाउंट बनता है। तो बोल रहा है इसके पहले बट इसके बाद, तो यही होगा ना, समझना है बात? पक्का बोलो, समझ लो, थोड़ा दिक्कत होगा बट कोई ऑप्शन नहीं, चैप्टर ऐसे ही है। और जिसका जनरल एंट्री कमजोर है उसके लिए चैप्टर ही नहीं बना, तो वो वेट करेगा चैप्टर कब खत्म होगा, जिसका जनरल एंट्री नहीं आएगा। अब जाहिर से बात है, हम तुमको बोल रहे हैं इसको ठीक करना, जनरल एंट्री को ठीक करना, जनरल एंट्री नहीं आता तो ठीक कैसे करेंगे? जनरल एंट्री जिसको नहीं आता उसको दिक्कत होगा था। जितना क्वेश्चन कराएंगे कम से कम घर पे जाकर उतना प्रैक्टिस करना। तो इसका एंट्री समझ में आया क्या? रिटर्न इनवर्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये बताओ क्या लिखा हुआ है? अ सम ऑफ 4000 रिटन ऑफ फ्रॉम द मशीनरी हैज नॉट बीन पोस्टेड इन द डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब बताओ पहले, बोलो 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 बोलो। अच्छा एक काम करते हैं, पहले 4 एंट्री तुम लोग खुद से पास करो, जनरल एंट्री का फॉर्मेट डालो और 4 एंट्री का पहले एंट्री खुद से पढ़ो। जनरल एंट्री का फॉर्मेट नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, जनरल एंट्री का फॉर्मेट डालो करो। चलो आओ देखो, तुम लोग ट्राई की होगी पता नहीं, देखो आज। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। 1 तो समझ में आ गया ना, अब 2 देखना है। पहले देखो क्वेश्चन बोलना क्या जा रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ सम रुपीज 4000 रिटन ऑफ फ्रॉम मशीनरी, मशीनरी से डेप्रिसिएशन चार्ज किए कितने रुपए का? 4000 रुपए। हैज नॉट बीन पोस्टेड इन डेप्रिसिएशन अकाउंट, बट वो डेप्रिसिएशन लिखना भूल गए। मेरे को बताओ, नॉर्मली मेरे को बताओ कि डेप्रिसिएशन
का एंट्री का डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री क्या होता है? एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ऐसा होता है कुछ। कितना कितना रुपया? 4000। सब क्या बोल रहा है आपको कि आपको डेप्रिसिएशन लिखना, ये भूल गया, ये गलती किया ना, पोस्ट करना भूल गया, पोस्ट नहीं किया तो ठीक कैसे करेंगे? पोस्ट करके तो डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दें। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 4000 रुपया। बट जनरल एंट्री कर रहे हैं तो क्रिएशन में कुछ तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? अभी अभी सीखे हम लोग क्या, सस्पेंस अकाउंट। अपने को ये एंट्री पास नहीं करना, अपने को ये एंट्री पास करना है, बट ये एंट्री से ये एंट्री समझ में आया, ठीक है? इसको बोलते हैं राइट एंट्री, ये राइट एंट्री होना चाहिए था। रॉन्ग एंट्री क्या किया था? सिर्फ मशीनरी लिखा था, ये था रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है? समझ गया क्या? प्रैक्टिस जरूरत है इसमें। हाँ, पॉइंट नंबर थ्री, मतलब बताओ पहले पॉइंट नंबर थ्री का। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर खरीदे कितने रुपए में? 13000 में ऑफिस फर्नीचर खरीदे, उसको परचेज की तरह रिकॉर्ड कर दिए। एक बार बताओ इसका एंट्री क्या होना चाहिए था, राइट एंट्री क्या होना चाहिए था? फर्नीचर परचेज करने का एंट्री क्या होता है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, अरे भाई पानी पी लो, पानी पी लो। परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हाँ कितना रुपया बताओ? 13000। वो क्या बोल रहा है? फर्नीचर खरीदे बट इसको परचेज की तरह रिकॉर्ड कर दिए, ऐसा रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है? तो ये रॉन्ग एंट्री है जो पास किया था, ये राइट एंट्री है। ठीक कैसे करें देखते हैं बार। देखो देखो देखो, जो अपने जगह पे ठीक है उसको छुएंगे भी नहीं। कौन अपने जगह पे ठीक है बता दो, हटा दो इसको, 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 इसको खत्म कर दो। अब इसमें गलती क्या है? देख गलती दो है, ये गलती को जो पकड़ लेगा जनरल एंट्री बन जाएगा उससे। दो गलती है, देखो जो हम बोल रहे उसका मतलब बता। पहला गलती, सर डेबिट साइड में उसको फर्नीचर करना चाहिए था, नहीं किया है, ठीक है? डेबिट साइड में फर्नीचर करना चाहिए था, वो नहीं किया, पहला गलती। दूसरा गलती, सर परचेस को डेबिट नहीं करना चाहिए था, वो कर दिया है। पहला गलती, फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था जो नहीं किया है, परचेस को डेबिट नहीं करना चाहिए था उसको कर दिया, ठीक है? अब इसको ठीक करते हैं। पहला गलती क्या था? फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था जो नहीं किया है, ठीक। कैसे करेंगे? डेबिट कर दे, 222 छोड़ दो अभी, कितना रुपया बताओ? 13000 रुपया। दूसरा गलती क्या क्या था? परचेस को डेबिट नहीं करना चाहिए था, कर दिया, ठीक। कैसे करेंगे उसको? क्रेडिट करके, समझे क्या बात? उतारो ये एंट्री, एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। कम से कम उतारिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न ना। चेक कर देगा तुम यहीं पे ना, मैं थोड़ा सा हो, ठीक है? याद रखना ये तीनों एंट्री पास नहीं करना, अपने को सिर्फ ये एंट्री, इसके इस पे मार्क्स मिलेगा, मार्क्स सिर्फ इसी पे मिलने वाला है, ठीक है? एग्जाम में दिखाना भी यही है, सोचने का तरीका तुम्हारा ये हो सकता है, ठीक है? टेंशन मत लो, 10 क्वेश्चंस करने के बाद ना अपने आप वो माइंड खुल जाएगा, तो सम्स पढ़ते ही आंसर आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट टू परचेस, ठीक है? ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, समझ आया क्या? जितना बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। पॉइंट नंबर फोर पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर फोर उससे भी अच्छा सम्स है, देखो क्या लिखा हुआ है। 600 रिसीव फ्रॉम मिस्टर रॉय हैज बीन डेबिटेड टू मिस्टर सेन, मतलब पहले बताओ, पहले बताओ कैश रिसीव करने का एंट्री क्या होता है?
कैश रिसीव करने का एंट्री क्या होता है? देखो राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री हम कर देंगे, तुमने दो एंट्री खाली बता दो, सोच के बोल भाई। कैश टू मिस्टर कौन कौन बोल रहे, हाथ उठा लगा, एक जन, दो जन, तीन जन, तुम्हारा नहीं है तो उसका है, एक जन, दो जन, तीन जन, और बताओ। मिस्टर रॉय कौन डेबिट टू कैश, तुम्हारा कुछ है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश लिखा हुआ तो भी मिस्टर रॉय अकाउंट में, तो वही ना, उसमें हाथ क्यों नहीं उठाए? यस कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रॉय, कितना रुपया? अरे भाई कैश रिसीव करिए, ये सब जनरल एंट्री नहीं आता तो फिर रेस्ट इन पीस, ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। तुम्हारा नाम यदि हम पूछेंगे ना, तुम्हारा दो बार भी यदि हम बोलेंगे तो भी रिपीट करके बोलेंगे सर यही नाम है, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस है। आज यदि हम बोले कि नहीं आज संडे है तो मानोगे कभी, यदि 10 बार भी बोल दिए तो? वो एक्सेप्शन केसेस में आता है। तब नेक्स्ट डे से इमेजिन करना, बहुत ठंड पड़ रहा है, जैकेट फिट पहन क्या 600 रुपए रिसीव किए मिस्टर रॉय से, डेबिट कर दिए मिस्टर सेन को। अब गलती क्या के देखो, यहां से लेके यहां तक ये एंट्री था राइट एंट्री का, ठीक है, रॉन्ग एंट्री क्या करते, डेबिट कर दिए मिस्टर सेन को, मतलब एंट्री पास कर दिया है मिस्टर सेन अकाउंट डेबिट टू कैश। मगर ये क्रेडिट साइड में कुछ, क्रेडिट साइड के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं, देखो तुम इसको सस्पेंस अकाउंट करके भी कर सकते हैं हम लोग, या तो कैश या तो मान लो इसको मिस्टर रॉय, ये दो तरीके से समझ कर सकते हैं, बता देते कैसे। यदि हम इसको मिस्टर रॉय मानते हैं, इसको ठीक कैसे करें बताओ? अगेन देखो, अपने को सम्स पढ़ के मेरे को बताओ, दो टाइप का गलती किया है। पहला गलती, मिस्टर सेन को डेबिट नहीं करना चाहिए था, ठीक कर दे। दूसरा गलती, कैश को डेबिट करना चाहिए था, कर दे। कितना रुपया? 600, 600, ठीक है। अभी सन्स अभी बाकी है, देखो ये सन्स में आया क्या? अच्छा, क्योंकि ये सन्स में क्लियर नहीं है कि क्रेडिट किसको किया है, ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यदि हम इसको मान ले कि रॉन्ग एंट्री ऐसा पास किया सर, मिस्टर सेन को कर दिया डेबिट और टू कैश को कर दिया क्रेडिट, चाहे कैश के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ बोला है डेबिट साइड में गलती के मिस्टर सेन को, ठीक कैसे करेंगे? अब देखो, क्रेडिट साइड के बारे में कुछ नहीं बोला, क्रेडिट साइड के बारे में कुछ नहीं बोला ना कि किसको क्रेडिट किया, तो एक बात बताओ, जो गलती होगा वही बोलेगा ना, जो सही होगा उसको कुछ नहीं बोलेगा, मतलब वो कुछ नहीं बोला, इसका मतलब क्रेडिट साइड के बारे में हम लोग मानेंगे कि वो कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है, इसको ठीक कैसे करें? वो क्या किया रॉन्ग एंट्री में, मिस्टर सेन अकाउंट डेबिट कितना रुपया लिख दिया है, 600 लिख के छोड़ दिया है, इसको ठीक कैसे करेंगे? अगेन देखो, दो गलती है, एक गलती सर मिस्टर सेन को डेबिट नहीं करना चाहिए था, कर दिया, ठीक कैसे करेंगे? मिस्टर सेन कितना रुपया बताओ? 600। सर दूसरा गलती, सर क्रेडिट साइड में मिस्टर रॉय को करना चाहिए था, नहीं किया ना, नहीं लिखा ना यहाँ पे कुछ, ठीक कैसे करेंगे? क्रेडिट करके उसको, कितना रुपया? 600 रुपया। सर डेबिट साइड में कुछ बोला नहीं है, ऐसा भी नहीं बोला कि कैश के बारे में कुछ नहीं किया, क्या आएगा डेबिट साइड में? एंट्री क्या हो गया बताओ? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रॉय टू मिस्टर सेन। देखो इस सन्स को थोड़ा समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, अपने सीयू में यदि एग्जाम में आएगा तो ये करके आएंगे, ठीक है, ये अलाउड नहीं है,
क्योंकि सम्स में क्या बोला है नहीं बोला है, सम्स में ये सीयू में जितना भी सम्स हम लोग करेंगे ना, उसका ये एजम्पशन चलता है हमारा। एजम्पशन क्या है? एजम्पशन ये है हमारा कि जब भी हम लोग एंट्री पास करने जाएंगे तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो दिया है वही वही गलती है बस। अच्छा सम्स में क्या बोला था? डेबिटेड किया मिस्टर रॉय, मिस्टर सेन को, बस यही गलती, इसको गलती माने और इसको ठीक करना है। बट तुमको एग्जाम में ये लिखना है, समझ आए क्या बात? ठीक है चलो उतारो। ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन हम लोग किए, समझ आए क्या?